ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जनादेश 2023, जहां हम आपको 199 विधानसभा सीटों का सटीक विश्लेषण बता रहे हैं, क्या रुझान चल रहा है और किस तरह से जो बाजी पलट रही है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। और हमारे साथ हमारे पैनल में जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अलीमुद्दीन जी। अलीमुद्दीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं और दर्शकों को बिल्कुल सटीक विश्लेषण बता रहे हैं, रुझान बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो संवाददाता है पल पल की खबर हमारे दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। जी शुक्रिया शालू, बहुत बहुत जनादेश 2023 में सबसे तेज और सटीक और विश्वसनीय तिथि है सिर्फ डीडी राजस्थान पर। आप देख रहे हैं चार प्रदेशों के जो चुनावी रुझान हैं हम आपको दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, जहां भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है रुझानों में। वहीं तेलंगाना में बात करें तो कांग्रेस ने लीड किया हुआ है। जी राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में जहां कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे यानी बहुमत से भी आगे चल रही है। कमोबेश अगर ये बात करें पिछले चुनावों की, तो जहां कांग्रेस पार्टी खड़ी थी वहां भाजपा आज खड़ी है, और जहां भारतीय जनता पार्टी थी वहां कांग्रेस है। तो बिल्कुल जो रिवाज चला आ रहा है पिछले कई वर्षों से, हमने देखा है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस सरकार बनाती है तो वो रिवाज एक तरह से कायम किया गया है। अशोक गहलोत जहां कहते थे कि हम एक बार फिर सत्ता में आएंगे और एंटी इनकम्बेंसी हमारी कहीं नहीं है, अपनी गारंटियों के दम पर वो सत्ता में आने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरा जादू चलेगा। तो महेश शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो महेश शर्मा जी जादूगर का जादू नहीं चलता दिख रहा है फिलहाल रुझानों में, क्या कहेंगे? देखिए जिस तरह से आपने, इससे पहले मैं एक चुनाव का और उदाहरण दूंगा, 2013 के चुनाव में भी तो गहलोत साहब ने बहुत घोषणाएं की थी उस समय, और जिस तरह से घोषणाएं की उनसे ज़्यादा घोषणाएं इस बार की है, तो वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को नलीफाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हुआ उल्टा। यह है कि गारंटी वर्सेज गारंटी हो गई। सबसे पहले गारंटी शब्द का प्रयोग मतलब मोदी ने कहा, मोदी मीन्स गारंटी, और इन्होंने भी फिर वो गारंटी शुरू की, 7 गारंटियाँ दी है किसानों को अलग, महिलाओं के लिए लैपटॉप की अलग, छात्राओं को, युवाओं को, ये सब कुछ करते 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 ओपीएस भी मतलब सरकारी कर्मचारियों को भी ओपीएस की पुरानी पेंशन स्कीम के लिए उन्होंने जो पेशकश की, तो उससे ये लग रहा था कि ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को नलीफाई कर जी देंगे। बिल्कुल सतीश जी, आपसे जानना चाहेंगे जब राज और रिवाज इस बार बदल रहा है एक बार फिर से, तो राज बदलने की तो परिपाटी जो है कहीं ना कहीं हमने देखी है, इस बार की अगर हम बात करें सतीश जी, तो क्या कारण रहे कि एक बार फिर से राज भी बदलने वाला है, जो रिवाज है वो जो लगातार जो हम देखते हैं वो चला आ रहा है, तो क्या रणनीति, प्रचार प्रसार, वादे या कांग्रेस को लगातार घेरना, कौन से ऐसे मुद्दे जिनको आप हाईलाइट करके बताएंगे कि ये वो कारण है जिस वजह से बीजेपी आगे आ गई है? देखिए आपने राज बदलने की बात करी, अलीमुद्दीन जी ने भी करी, लेकिन पिछली बार के राज बदलने में और इस बार के राज बदलने में थोड़ा फर्क है। पिछली बार कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं था, थोड़ा सा बहुमत के नज़दीक थे, लेकिन इस बार कांग्रेस बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, पहली बात तो ये पिछली बार से फ़र्क है। दूसरी बार आप बात कर रहे थे, अभी आपने बात कही थी कि यहाँ के जो नेता जो दिग्गज चेहरे वो हार रहे हैं, जो भी दिग्गज चेहरे आ रहे हैं वो इसलिए हार रहे हैं कि उनकी जो उन्होंने जो भी बयानबाजियाँ करी, चाहे शांति धारीवाल जी हों चाहे प्रताप सिंह जी हों, उन्होंने जो भी बयानबाजियां करी वो बयानबाजियां जनता ने देखी, वो मर्दों का प्रदेश वाली बयानबाजी हो या किसी को भी किसी भी बात के लिए कुछ भी बोल देना जो प्रताप सिंह जी की आदत है वो हो, और सारे दिग्गज चेहरे आप देखिए बीडी कल्ला सब हार रहे हैं इनके कह चेहरे, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने अपने मंत्रियों को और विधायकों को खुली छूट दे रखी थी, लूट की छूट थी यहाँ पर, और जो विधायक इनके लूट की छूट में इन्वॉल्व थे इनकी मजबूरी थी उनको वापस टिकट देना, लाल डायरी का मैटर हो चाहे पेपर लीक का मैटर हो, तो ये बहुत बड़े मुद्दे थे। फिर अभी महेश जी ने बात करी, मोदी जी ने गारंटी दी थी कि मोदी गारंटी पूरी होने की गारंटी मोदी जी हैं, और ये बात जनता ने मानी है, डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी पे जनता ने विश्वास किया है, कमल का फूल हमारा निशान था और कमल के फूल को ये वोट डाले हैं, जनता ने माना है कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो राज्य में विकास होगा और राज्य की विकास जनता चाहती है, 5 साल का जो कुशासन जनता देख चुकी है वो जनता उससे छुटकारा पाना चाहती है। जो डबल इंजन की सरकार आ रही है, तो अभी आपको हम सीधे भाजपा मुख्यालय जो प्रदेश मुख्यालय वहां लिए चलते हैं, जश्न का माहौल है,
आइए सीधे चलते हैं भाजपा मुख्यालय पे, झंडे लहराए जा रहे हैं भाजपा मुख्यालय पे और ढोल नगाड़ों के साथ माहौल बन चुका है और कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी जीत का खुशी, जीत की जो खुशी है वो मनाने में लग गई है। और आप देख सकते हैं तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भाजपा कार्यालय में हर्षोल्लास का माहौल है। और अगर हम बात करें सीटों की, 113 से जो है बढ़त बना ली है और एक सीट जो है, एक परिणाम जो सामने आ चुका है। पहले मैंने लिखा और 8 दिन में भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं, कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसी पंचायत नहीं जहां पर गीत ना बज रहा हो। और आप सबसे निवेदन, आपका जो भी रिश्तेदार यूपी में रहता हो, अब की बार मैसेज कर देना उसको, भाई अब की बार वोट जिसको देनी है। और आपने देखी तस्वीरें बीजेपी कार्यालय से, जहां पर जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और आपको बता देते हैं बीजेपी 114 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं कांग्रेस जो है 69 सीटों पर आकर जो सिमटती नजर आ रही है। और आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लगातार राउंड पर राउंड जो है आगे चल रहे हैं। और फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि कितना रोचक ये मुकाबला, और इस बार एग्जिट पोल से बिल्कुल विपरीत देखने को आ रहा है, जहां पर एक तरफ एग्जिट पोल ने ये कहा था कि कांग्रेस एक बार फिर से सरकार बना सकती है, कांग्रेस ने तमाम कोशिशें की थी अपने मिशन रिपीट को साकार करने की, महंगाई राहत कैंप थे जी। 114 सीटों के रुझान अभी हमारे 199 के जो रुझान है, उनमें से 114 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 69 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। और वहीं 16 सीटों की बात करें तो जो अदर्स हैं, जिसमें निर्दलीय भी हैं और अन्य पार्टियों के भी लोग हैं, वो आगे चल रहे हैं। तो अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्य प्रवक्ता जुड़ गए हैं, आइए उनसे आपका परिचय करते हैं। राम कुमार जी, राम कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी राम कुमार जी से बात करेंगे और पहले एक अपडेट लेते हैं। कैलाश वर्मा भारतीय जनता पार्टी बगरू से आगे चल रहे हैं और गंगा देवी बगरू से पीछे चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर आगे चल रही है जी। अभी सीधे चलते हैं चुनाव आयोग जो निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता, आइए सीधे चलते हैं उनके पास, क्या कुछ कह रहे हैं। कार्यक्रम का ये माना जाए मतगणना पूरी होने जा रही है विधानसभा की, लोगों को क्या विश्वास दिलाना चाहिए, कितना पारदर्शी रहा है चुनाव और कितना चैलेंजफुल? देखिए सबसे पहले तो मैं अपने जो 5,30,00,000 के लगभग मतदाता थे सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने पूरा सहयोग दिया और मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, साथ में सभी राजनीतिक दल, और सबके सहयोग से ये शांतिपूर्वक मतदान हुआ। अपने मीडिया के साथियों का जो कि लगातार जो भी सूचना थी भारत निर्वाचन आयोग की, उसको आपने प्रसारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जनता तक ले जाने में, विशेष तौर पर युवाओं तक ले जाने में, जिससे कि इतना मतदान हुआ। और आज ये देख रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं की गई उसका भी आपने लोगों में प्रचारित किया कि किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी, किस तरह से रिजल्ट देख सकेंगे। तो शांतिपूर्वक तरीके से मतदान कराने के लिए और मतगणना कराने के लिए मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो रुझान आ रहे हैं बैलेट पेपर के जुट के आए, देखिए अभी तो ईवीएम के आ रहे हैं, बैलेट पेपर लास्ट में टोटल होता है और अभी ईवीएम राउंड वाइज ईवीएम के रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं। थैंक यू। ने सुना मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता को, जिन्होंने तमाम मतदाताओं को बधाई दी है क्योंकि आपने मताधिकार का प्रयोग किया और जिस वजह से आज जो रुझान है। और आपको इस बीच बड़ी ब्रेकिंग बता देते हैं, गंगानगर से परिणाम सामने आया है और गंगानगर से आपको बता रहे हैं एक बड़ा अपडेट, जहां गंगानगर से परिणाम सामने आ रहा है, गंगानगर से भी बीजेपी ने जीत दर्ज कराई, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकेंगे। इस बीच आपको बता दें कि प्रदेश नहीं, सीधे गंगानगर चलते हैं अभी हम शालू, गंगानगर से हमारे संवाददाता जो है हरदेव सिंह जी था वो हमसे जुड़ रहे हैं फोन इन पर, आइए उनके पास चलते हैं, उनसे सीधे बात करते हैं जी। हरदेव सिंह बताइए क्या पोजीशन है अभी, क्या मतगणना किस तरह से चल रही है और जो गंगानगर की है किस तरह के रुझान देखने को मिल रहे हैं आपको? नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं बताता हूँ कि नंबर एक क्रमांक पर जो विधानसभा क्षेत्र है सादुल शहर, उसमें लगभग 14,681 वोटों से जो अपने 552 वोटों से गुरवीर बराड़ आगे चल रहे हैं।
जी। और गंगानगर से जयदीप बिहानी 14,681 वोटों से आगे चल रहे हैं जी। और वहीं अनूपगढ़ की बात करते हैं तो शिमला नायक 30,357 वोटों से आगे जी। और रायसिंह नगर बिल्कुल अर्देव आपसे फिर से अपडेट लेंगे, जुड़ेंगे। और आइए चलते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद अतीक के पास। पूरी तरीके से चुनाव खत्म हो जाएंगे, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं अपने सभी 5,30,00,000 मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें चुनाव में अपनी भागीदारी निभाई। पहले तो वोटर रजिस्ट्रेशन में अधिक संख्या में युवाओं ने अपने नाम जुड़वाए तथा बाद में अपना बूथ पर आकर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सभी ने अपनी हिस्सेदारी निभाई है। साथ में जो राजनीतिक दल थे, कैंडिडेट्स, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पूर्ण जो आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किया और सभी हमेशा इसमें चाहे मतदान हो चाहे मतगणना हो उसमें सहयोग किया। आखिरी सवाल, ये आचार संहिता कब तक लागू रहेगी? आचार संहिता 5 तारीख तक रहेगी और जैसे ही हम लोग ये सारा रिजल्ट माननीय राज्यपाल महोदय को जो भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलने के बाद देंगे, उसके बाद 5 तारीख को आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में कहीं से भी कोई भी हिंसा की या कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही है, शांतिपूर्वक मतगणना चल रही है और 5 तारीख तक जो है आचार संहिता लागू रहेगी, उसके बाद में आचार संहिता खत्म हो जाएगी। जयपुर से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अतीक। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो आपने सुना प्रवीण गुप्ता जी को, जिन्होंने तमाम मतदाताओं को बधाई दी और शुभकामनाएं दी और कहा कि कहीं पर भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राम कुमार जी, भाजपा से प्रवक्ता। राम कुमार जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हम दे देते हैं। पहले बीजेपी 114 पर आ गई है और वहीं कांग्रेस जो है 70 सीटों पर आ चुकी है। अगर बात की जाए यहाँ पर रणनीति की या चुनाव प्रचार की, तो आपको क्या लगता है किस वजह, क्या मेन मुख्य वजह रही जिस वजह से ये परिणाम आ रहे हैं? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंप चलाए, तमाम घोषणाएं की, गारंटियां दी, उसके बाद भी परिणाम एंटी इनकम्बेंसी जो थी जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो देखने को मिल रहा है। सर्वप्रथम तो मैं राजस्थान के मतदाताओं को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस का कुशासन था, भ्रष्टाचार था, जंगल राज था, अपराधीकरण जो बढ़ गया था, तुष्टीकरण की हद थी, उसके प्रति जो उनका आक्रोश था और वो परेशान थे, उसको देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में नेतृत्व, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए, विकास को केंद्र बिंदु रखते हुए जो कार्य किए, उसका लाभ राजस्थान के लोगों को और अन्य प्रदेश के लोगों को मिला, जिसके कारण से मैं समझता हूं कि जनता का जो कांग्रेस के प्रति जितना आक्रोश था, जितनी इन्होंने निराशा पैदा कर दी थी, उसका एक यूँ कहें कि प्रतीकात्मक रूप से उनका विरोध और दूसरा हमारा सुशासन केंद्र सरकार का, इसी के कारण से आज आप देख रहे हैं। हमने पहले भी रिजल्ट से पहले पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी और हमने भी कहा था कि हम पूर्ण बहुमत से आएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने केवल राजस्थान, छत्तीसगढ़ और लेकिन सर जो मुद्दे रहे वो मेन यही रहे, पेपर लीक के मुद्दे के ऊपर सरकार को घेरा गया, यही पर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध था वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम विकास की बात करें तो जो चिरंजीवी योजना थी उसका लगातार जो हर जिक्र किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा, जितनी भी उन्हें सभाएं की, चिरंजीवी योजना की बात की, फ्री लैपटॉप बांटे, लेकिन ये जनता राजस्थान की हो सकता है कि पहले जिस तरह का इनका एक फिर में आ गया था कि झूठ बोलो, वादा झूठे करो, जनता को घुमराओ, भटकाओ, लटकाओ, उससे शायद हमें कहीं ना कहीं फल मिल जाएगा। वही नतीजा था कि 4.5 साल तक इन्होंने जो कुशासन चलता रहा और उसके बाद में जनता की इन्होंने सुध भी नहीं ली और ये संवेदनहीन हो गए और लास्ट में जाकर के इन्होंने जो स्कीम का एक पिटारा सा खोला और पिटारा भी उस स्थिति में कि राजस्थान का आपने देखा भी होगा और 5,59,00,000 करोड़ रुपए जिस तरह का, यानी एक कर्ज है कि 5.59 लाख करोड़ जो कर्जा हुआ उनका इनके आधार नहीं है, राजस्थान को इन्होंने आर्थिक दृष्टि से पीछे कर दिया है, इन सारी चीजों को जी, राम कुमार जी आप जी, बात कर रहे हैं जैसे गारंटी की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा मेरी गारंटी है और वहां अशोक गहलोत ने भी 7 गारंटियां जनता के सामने रखी कि 7 गारंटियों पे मुझे वोट दीजिए।
अगर हम बात करें कुछ मुद्दों पे, जैसे भारतीय जनता पार्टी वैसे लीड करती हुई दिख रही है 114 सीटों पर। मुद्दीन जी एक बार रोकना चाहेंगे, एक बड़ी ब्रेकिंग बता दे, बस्ती में पूर्व आईएएस और पूर्व आईपीएस के बीच मुकाबला देखने को मिला। भाजपा के चंद्रमोहन मीणा को मिले 29,690 वोट और कांग्रेस के लक्ष्मण मीणा को मिले हैं 34,000 से ज्यादा वोट। तो सीधा मुकाबला आईपीएस और आईएएस में हमें देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस के लक्ष्मण मीणा को 34,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। जी जी, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं राम कुमार जी। वो सवाल ये था मेरा कि गारंटियों वाला, और दूसरी बात करें तो कई जो बड़े नेता हैं भाजपा के, जो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, दो बार सांसद हैं, और 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी पहली सूची में लेकर आई थी और उनको विधायक का चुनाव लड़ाने के लिए, तो इसके पीछे क्या रणनीति थी? और साथ में अभी 2-3 जो बड़े चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं मतगणना में, तो क्या कहेंगे इन बारे में? देखो, गारंटियों के तो मैंने बता दिया कि कांग्रेस के द्वारा दी गई गारंटियां, एक गारंटियां होती हैं, वो कहीं धरातल पर नहीं उतरती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो गारंटी और जो संकल्प के साथ में वादा करते हैं, उसके रिजल्ट उनके 10 वर्ष के कार्यकाल में हमने देखे। ये उनके क्षेत्र में चाहे वो गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे राष्ट्र की संबंधित मुद्दे हों, और चाहे आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का मामला हो, और मैं कहता हूँ कि विश्व के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ है सबसे बहुत ही बढ़िया है, और इसके साथ साथ में 11वें नंबर से हम 5वें नंबर पर आए हैं और 3रे नंबर पर आने की ओर हमें। महेश जी, यहाँ पर ही आपसे पूछना चाहूंगी कि राजस्थान को एक मॉडल स्टेट बनाने की बात हुई थी और कोरोना काल में मुख्यमंत्री ने जिस तरह से काम किया था, पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई थी और भीलवाड़ा मॉडल की बहुत बातचीत हुई थी, तो वो सब बातें कहीं पिछड़ गई और जो मुद्दे बीजेपी ने उठाए, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या महिला सुरक्षा का मामला हो, वो इतने हावी हो गए प्रचार प्रसार की बात रही, या कहीं ना कहीं कोरोना में जो काम किया वो पीछे कहीं फेल हो गया? देखिए, मुझे जहाँ तक जो विश्लेषण अगर मैं करता हूँ कि चुनावी नतीजे किस तरह से टिल्ट हो रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी है कि महिला मतदान इस बार राजस्थान में सबसे ज़्यादा हुआ है पुरुषों के मुकाबले, और वो जो महिलाओं का रुझान मुझे लग रहा है कि बीजेपी की तरफ ज़्यादा रहा और उनकी जो विश्वास जो था वो उनके प्रति ज़्यादा रहा। महिला अत्याचार हुए या जितने भी जो घटनाएँ हुई है कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई, इसका भी एक इम्पेक्ट पड़ा है। मैं जो कांग्रेस के नेगेटिव गए हैं जो जी महेश जी, मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगा। हमारे संवाददाता कोटा से ओमेंद्र सक्सेना जुड़ गए हैं, आइए सीधे उनके पास चलते हैं और बात करते हैं। जी ओमेंद्र, बताइए किस तरह के रुझान देखने को मिल रहे हैं कोटा से, क्योंकि शांति धारीवाल जो यूडीएच मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और पीछे चल रहे हैं, क्या रुझान है, किस तरह के आपको रुझान देखने को मिल रहे हैं, बताइए। बिल्कुल, मैं यहाँ मतदान स्थल पर ही खड़ा हूँ जी। यहाँ पर बार बार कभी शांति धारीवाल जी कुछ मतों से आगे हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। देखने वाली बात यह है कि यहाँ जितनी भी 6 सीटें हैं, 6 सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी ने बढ़त ली हुई है जी। तो कौन से जैसे आप कोटा की अगर बात कर रहे हैं हम, तो कोटा में एक तरह से जो शांति धारीवाल हैं उनको विकास पुरुष के नाम से जाना जा रहा है, बहुत सारा विकास किया उन्होंने, रिवर फ्रंट बनाया, बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स है वो बनाए, कोटा की सूरत बदल दी उन्होंने, उसके बाद भी ये हाल है कांग्रेस का? बिल्कुल, न जाने क्यों ये पूरा का पूरा जो है यहाँ के मतदाताओं ने उनका विकास का जो चरण था उसको नकार दिया है जी। और पहला कुंजल पे जिसने शिकायत की थी कि ये इल्लीगल बनाया हुआ है उसको नवाजा गया है जी। तो क्या कारण मानते हैं, कौन से जो मतदाताओं के दिमाग में क्या चीज रही थी जो उन्होंने वोट दिया, कौन से मुद्दे हावी रहे? उनके कुछ मुद्दे जो ऐसे कंट्रोवर्शियल थे, जैसे महिलाओं के लिए उन्होंने कह दिया था कि ये तो मर्दों का देश है, सारी महिला उनसे बुरी तरह नाराज रही हैं जी। सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा है जी उनका। उमेंद्र, यहाँ पे एक बात जानना चाहेंगे, राजनीतिक बयानबाजी का अपना एक दौर होता है और जो राजनेता है वो राजनीतिक बयानबाजी करते नजर आते हैं, लेकिन अगर विकास की बात की जाए तो यूडीएच मंत्री रहे हैं, उसके बाद भी वो अगर पिछड़ रहे हैं तो क्या कुछ कारण हो सकते हैं? दूसरा हम बात कर लेते हैं रामगंज मंडी की, जहाँ पर महेंद्र राजौरिया है और मदन दिलावर के सामने है, तो वहाँ क्या स्टेटस है? मदन दिलावर बहुत अच्छे मतों से आगे जा रहे हैं जी। ऐसा कैसे, दक्षिण में संदीप शर्मा आगे जा रहे हैं, राखी गौतम थोड़ी सी पिछड़ रही है अभी जी, तो यहाँ पे उम्मीद लगाई जा सकती है कि राखी गौतम शायद थोड़ी सी आगे आ जाएं। हाँ, मगर अभी हाल कुछ उनके इलाके के अभी हाल मत पर खुलने वाले हैं, ऐसा लगता है कि कुछ इजाफा हो सकता है, मगर क्योंकि बढ़त बहुत ज्यादा है संदीप शर्मा की, इसलिए पार पाना मुश्किल होगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका बहुत बहुत ओमेंद्र, सारी जानकारी देने के लिए।
तो हमारे जो संवाददाता थे वो कह रहे थे कि शांति धारीवाल बहुत पीछे चल रहे हैं, कभी आगे होते हैं कभी पीछे, और उनका ये जो एक बात उन्होंने कही कि मर्दों का प्रदेश है, इस पर एक तरह से समझ लीजिए कोटा में एक तरह से कांग्रेस का सूपड़ा साफ है। रामलाल जी क्या कहेंगे, मर्दों के प्रदेश पे शांति धारीवाल ने कहा था और भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, क्या कहेंगे सर? मुझसे कह रहे जी राम कुमार जी देखिए ये स्पष्ट है कि जिस तरह का मतदाताओं ने मत दिया और उसका हमने अगर श्रेणी वाइज देखे तो महिलाओं का मतदान हमारे बहुत ज़्यादा हुआ है और साथ साथ में ग्रामीण एरिया का मतदान हुआ है। और विशेष रूप से शांति धारीवाल जी की बात अगर हम करें जी, तो उन्होंने एक बहुत जिम्मेदार मंत्री होने के बावजूद भी उनके जो डिपार्टमेंट के अंदर जिस तरह के भ्रष्टाचार हुए और उनके विधायक और जितने भी थे तो वो तो अलग बात है, लेकिन जब दुष्कर्म के मामले में अगर विधानसभा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और राजस्थान के अंदर करीब 2,00,000 महिलाओं के केस दर्ज होते हैं, 35,000 उस तरह से दुष्कर्म के केस आते हैं और 7,700 समथिंग है जो मर्डर के केस होते हैं, और जब महिलाओं की बात आती है तो वो कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का देश है। तो मैं सोचता हूँ कि इस तरह के वर्ड हमें भी शर्मसार करते हैं कि एक मंत्री कैबिनेट मंत्री इस तरह का व्यक्ति इस तरह से कहता है, तो निश्चित है कि हमारी बहन बेटियाँ निश्चित राजस्थान में इनके 4.5-5 साल के कार्यकाल में सुरक्षित नहीं रही और उसी का ये दुष्परिणाम है कि इनको वो भुगतना पड़ेगा, पूरी कांग्रेस के लोगों को भी और जगह भी इस तरह का है। तो मैं सोचता हूँ कि शांति धारीवाल आगे पीछे होते हैं लेकिन मुझे लगता है कि उनको मतदाता माफ नहीं करेगा, हमारी बहन बेटियां और हमारी महिला मतदाता। अलीउद्दीन जी आपसे जानना चाहूंगी, अगर बात करें कोटा जो है कोचिंग हब के नाम से जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से जो सुसाइड रेट यहां बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के बातें बहुत की जा रही हैं, क्या आपको लगता है ये भी एक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि हम एक वर्ष में 28 से 29 छात्र जो है वो फांसी पर झूल चुके हैं, डिप्रेशन अवसाद बहुत तरह की बातें की गई है लेकिन कोटा सुसाइड केस के ऊपर किसी ने कोई बात नहीं की, क्या आपको लगता है ये भी एक वजह हो सकती है? बिल्कुल निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी वजह है क्योंकि कोटा को कोचिंग हब कहते हैं और देश विदेश से लोग वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन अमूमन हमने देखा है कि आए दिन अखबारों में खबरें आती हैं, सुर्खियां बनी रहती हैं कि फला छात्र फला छात्रा ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड के केसेस बहुत बड़े हैं। और एक बात मैं शालू और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जो नए मतदाता हैं या जो जुड़े हैं नए मतदाता भी, तो सरकार की जो पेपर लीक बार बार में हुए हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये, लेकिन सर यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर पेपर लीक की बात हुई है तो वहां पर ईडी भी कहीं पीछे नहीं रही राम कुमार जी, अगर हम पेपर लीक की बात करें तो चाहे वो ईडी हो या कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो, उन्होंने पूरी जांच की है और आए हैं और तमाम प्रकार के तथ्य जुटाने की कोशिश भी की है, इस पे ज्यादा जानकारी लेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल दर्शकों को एक बड़ी ब्रेकिंग दिखा देते हैं इस बीच जो हमारे पास आ रही है, और आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर जहां उदयपुर वाटी से राजेंद्र गुड़ा करीब 10,000 वोटों से पीछे हो गए हैं, उदयपुर वाटी से राजेंद्र गुड़ा 10,000 वोटों से पीछे हो गए हैं, और हम जानते हैं जब राजेंद्र गुड़ा का नाम आता है तो उनके साथ में एक अलग ही कॉन्ट्रोवर्सी का नाम आता है, और पूरी उम्मीद की जा रही थी कि जिस तरह से उन्होंने लाल डायरी का जिक्र उठाया था तो कहीं ना कहीं वो वोट बैंक को हाईजैक करने में कामयाब होंगे, लेकिन बिग ब्रेकिंग इस वक्त की आपको बता रहे हैं, उदयपुर वाटी से राजेंद्र गुड़ा 10,000 वोटों से पीछे हैं। जी बिल्कुल, राजेंद्र गुड़ा 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, लाल डायरी का जिक्र उन्होंने उठाया, विधानसभा में भी उठाया, बाहर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन्होंने लाल डायरी पे बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व होने की जानकारी दी। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की भी, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे को जबरदस्त उछाला है लाल डायरी को लेकर। बिल्कुल राम कुमार जी, क्या कहेंगे आप? आपका पहले जो पेपर लीक का मामला है कि बहुत ही पेपर लीक का मामला है, इतना युवाओं के साथ मैं कहूं कि 70,00,000 युवाओं के साथ में एक बड़ी चोट कांग्रेस के शासन में हुई, करीब करीब 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाना, उसके अंदर भ्रष्टाचार जिस तरह हो जाना, पेपरों को 10-10 और 15-15 लाख रुपए में बेच देना, और राजीव गांधी स्टडी जो सर्किल बिल्कुल ठीक बात हुआ है, लेकिन ईडी ने हस्तक्षेप किया है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज आई हैं और कुछ दिन पहले ही डोटासरा जी को बुलाया गया था, उनके बेटों को बुलाया गया था, ईडी अपनी जांच कर रही है लेकिन अभी तक ईडी ने भी अपनी रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की है, तो जांच तो सीबीआई ने भी करी थी, फिर ईडी को बुलाया गया, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला? जब स्टेट गवर्नमेंट का शासन अगर उसके अंदर सुस्त रहता है, चाहे वो भ्रष्टाचार का आरोप का मामला हो, जिस तरह से इनके मुख्यमंत्री के शासन के अंदर अलमीरा में 2,31,31,00,000 और 1 किलो सोना निकलना हो, गणपति प्लाजा के अंदर हो, इसी तरह से पीएचडी मंत्रालय और जो हमारे जल मंत्रालय उसके अंदर जिस तरह का यहाँ राजस्थान में हुआ, तो ईडी की एक प्रक्रिया है,
ये एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जो कि अपनी प्रक्रिया शिकायत होती है उसकी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करती है और उसके बाद में वो जांच करती है, उसमें कहीं न चुनाव आड़े आता है न कोई शासन आता है और प्रक्रिया के तहत में जो दस्तावेज गए हैं उसके आधार पर निश्चित है कि उसमें आधार होता है। और आपने देखा होगा कि ईडी के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई उनमें 96% करीब है न उसके अंदर है जो केसेज के अंदर उनका रिकॉग्नाइज हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि ईडी की कार्रवाई एक शिकायत होने पर प्रक्रिया उसके तहत वो कार्रवाई की और जो भ्रष्टाचार कर रहा है अपराध कर रहा है उसकी सजा उसको मिलेगी और जो जनता ने तो सजा दे दी है। इस पे जानकारी इस पे चर्चा जारी रखेंगे लेकिन इस वक्त एक ब्रेकिंग आ रही है, आइए आप दर्शकों को बता देते कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं जहां उदयपुर वाटी से राजेंद्र गुड़ा करीब 10,000 वोटों से पीछे हो गए हैं। राजेंद्र गुड़ा 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं उदयपुर वाटी से, हम आपको ये बड़ी ब्रेकिंग बता रहे हैं। और कांग्रेस के गणेश बोगरा 6,617 वोटों से आगे चल रहे हैं। जैसलमेर में 11 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और उदयपुर वाटी से राजेंद्र गुड़ा करीब 10,000 वोटों से पीछे। सर आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। जी राम कुमार जी, आपसे चर्चा कर रहे थे हम और बातचीत चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की। मैंने आपसे सवाल भी पूछा था कि जो पहली जो सूची आई थी भारतीय जनता पार्टी की उसमें 7 सांसदों को उतारा गया था, तो क्या स्ट्रेटेजी थी इसके पीछे? और अभी मैंने बताया कि कुछ जो बड़े चेहरे हैं जैसे कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ हैं, शुरू में राजेंद्र राठौड़ भी पीछे चल रहे थे और सतीश पूनिया जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वो भी पीछे चल रहे थे, तो इन दोनों के पीछे क्या रणनीति आप देखते हैं? कि हमारे पार्टी के अंदर क्या है, अपने एक चुनाव की स्ट्रेटेजी है जी। और हमारी पार्टी ये नहीं सोचती कि वो एमपी है सांसद है या एमएलए है, और स्ट्रेटेजी कहते हैं उसे उचित जो लगता है, हमारे जो सेंट्रल बोर्ड निर्णय करता है अपने सर्वे के आधार पर उनको मैदान में उतारा जाता है और मैदान में उतारने के बाद में निश्चित है कि उनका भी जनाधार होता है उनको भी जो। और अभी जो आप ये कह रहे हैं तो जो आगे पीछे चल रहा है लेकिन राउंड जब ये आएगा और लास्ट में गिनती होगी तो निश्चित है कि हमारे शीर्ष नेता हैं वो अच्छे वोटों से जीतेंगे, इसमें कोई दोराय नहीं है। और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है, बिल्कुल वो हम देख सकते हैं 111 सीटों पर और कांग्रेस के पास 71 है। सर कभी ये बात आती है जो हिंदू मुस्लिम कार्ड जो है वो बहुत अच्छा काम करता है आपके लिए, तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं जब हमने इस तरह की बात करी इस तरह को प्रचार प्रसार में इस बात को मुद्दा बनाया है इसका भी बेनिफिट आपको मिला है? इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का वो चरित्र है जो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता, किसी को जातिवादों के अंदर जातियों में बांटने की बात नहीं करता। ये कांग्रेस की फिरकत है कि वो इस तरह के मुद्दों को उछाल करके और आपस में सामंजस्य को ख़त्म करते हैं वोटों के लिए। पिछले 2018 में आपने देखा होगा कि एक नहीं दो नहीं कहीं चार चेहरे तो इन्होंने मुख्यमंत्री के घोषित किए जाति आधार पर, उसका रिजल्ट ये हुआ कि इन्होंने 4.5-5 साल में किस तरह का इनका एक कुर्सी का झगड़ा चला। लेकिन अगर हम हवा महल की बात करें तो बाल मुकुंदाचार्य को उतारा गया है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बाल मुकुंदाचार्य जी है जो सनातन जो हमारी संस्कृति है धर्म है उसके लिए निश्चित है कि वो वकालत करते हैं, उसमें कोई दोराय नहीं है। हम भी करते हैं, क्यों करते हैं कि सनातन संस्कृति। चर्चा जारी रखेंगे, एक बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को हम, और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं जहां उदयपुर वाटी से राजेंद्र गुड़ा करीब 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको, सवाई माधोपुर में 6 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है तो आपको पल पल की खबर बता रहे हैं। और भाजपा से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा 5,611 मतों से आगे चल रहे हैं। तो बड़ा अपडेट हमारे दर्शकों के लिए जहां बीजेपी से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा 5,611 मतों से आगे चल रहे हैं। जी शालू, अभी हमारे साथ कांग्रेस से भी प्रवक्ता जुड़ गए हैं और संयोग की बात देखिए कांग्रेस से भी राम कुमार जी ही हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी राम कुमार जी हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राम कुमार जी, कांग्रेस पार्टी से आते हैं। राजकुमार जी हमारे साथ प्रवक्ता है। राजकुमार जी, शुरुआती जो एक रुझान आपको देखने को मिल रहे हैं 110 पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 71 पर ही सिमटे जा रही है, किस तरह लेते हैं इस चुनाव को आप अभी तक रुझानों को? तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी लीड करती हुई नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करके राजस्थान की जनता में बरगला रहे थे, राजस्थान जनता को झूठे झूठे वादे कर रहे थे, कहते प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। सर 40 सीटों का फर्क है, तो प्रचंड बहुमत कहलाता है, 140-145 से ऊपर आती है उसको प्रचंड बहुमत कहलाता है। और फॉर्चूनर में हमको बैठाने वाली भारतीय जनता पार्टी खुद 100 के आसपास मंडरा रही है, हम 70-75 के आसपास मंडरा रहे हैं।
मुझे पूरा यकीन है जब यह परिणामों में तब्दील होगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। सर, सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो चल रहा था, हमने देखा कि सरकार को गिराने की कवायद की गई थी, चर्चा जारी रखेंगे अलीमुद्दीन जी। लेकिन एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते, बिग ब्रेकिंग इस वक्त की, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी नाद्वारा में 3,923 मतों से पीछे हो गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी नाद्वारा से 3,923 मतों से पीछे चल रहे हैं। राजकुमार जी, क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, सीपी जोशी जी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सीपी जोशी जी हैं, डोटासरा जी हैं, पायलट साहब हैं, मुख्यमंत्री जी हैं और कई मंत्री हैं। निश्चित तौर पर आगे पीछे का खेल चल रहा है, हमको यकीन है सीपी जोशी जी भी चुनाव जीत कराएंगे और मंत्रिमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। आप निश्चिंत रहें, जब ये रुझान परिणामों में तब्दील होंगे तो कांग्रेस पार्टी 2-3 घंटे के बाद स्पष्ट मेजोरिटी में नजर आएगी। अलीमुद्दीन जी, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप ये इसमें प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि यहाँ पर एक नए चेहरे को बीजेपी ने मौका दिया और उससे सीपी जोशी पिछड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, सीपी जोशी देखिए वो कैंडिडेट हैं जो जीत और हार का स्वाद उन्होंने चखा है और एक वोट से वो चुनाव हारे थे, तो उनके लिए कई मायनों में ये चुनाव वैसे तो हर एक के लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन सीपी जोशी के लिए कहूँ कि बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक वोट की हार की कसक उनके दिल में और उनके जहन में कहीं ना कहीं होगी। नया चेहरा सामने उतारा गया उनके, तो ये नए चेहरे के सामने सीपी जोशी एक तरह से बहुत पीछे चल रहे हैं अभी तो, और विधानसभा अध्यक्ष हैं और अच्छे कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वो पीछे चल रहे हैं फिलहाल। तो ये एक तरह से भाजपा का जो प्रचंड एक तरह से लहर अभी तक 111 पे चल रही है और कांग्रेस 72 पर ही सिमटी हुई है अभी तक। जी शालू, बिल्कुल सर से जानेंगे। जी शालू, मैं अभी हम चलते हैं सीधे हमारे हनुमानगढ़ से, हमारे संवाददाता हैतराम जी जुड़ गए हैं। जी हैतराम जी, क्या फोन इन पे जुड़े हुए हैं? जी बताइए, क्या अभी तक आपके पास अपडेट्स हैं? मैं बताना चाहूंगा सर कि अगर प्रॉपर अगर हनुमानगढ़ विधानसभा की अगर बात करें तो अब तक 14 राउंड हो चुके हैं और यहाँ जो निर्दलीय प्रत्याशी है गणेश राज बंसल बढ़त लिए हुए हैं और कयास भी यही लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से इनको बढ़त मिली है उस हिसाब से हनुमानगढ़ विधानसभा में निर्दलीय बाजी मार सकते हैं। और वहीं अगर बात करें दूसरी अगर पार्टियों की तो जिस तरीके से देखा जा रहा है संगरिया और पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र है उसमें कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं और वहीं भादरा की अगर बात करें तो भादरा में माकपा जो अभी माकपा और भाजपा के बीच में टक्कर है। जी जी हैतराम, आपसे फिर जुड़ेंगे और आइए अपने दर्शकों को सीधे ले चलते भाजपा मुख्यालय और दिखाते क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, तो इस पे थोड़ी देर में फिर कोशिश करेंगे जुड़ने की। लेकिन इसी बीच आपके दर्शकों को हम बड़ी खबर बताना चाहेंगे अलीमुद्दीन जी, बड़ी खबर आ रही इसी बीच हमारे दर्शकों के लिए। जी बहरोड से वर्तमान विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी बलजीत यादव को भीड़ ने पीटा है, देखिए क्या खबर आ रही है। बहरोड से वर्तमान विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी बलजीत यादव को भीड़ ने पीटा है, इस तरह की खबरें भी देखने को मिल रही है। जी राजकुमार जी, आपसे चर्चा चल रही थी और हम बात कर रहे थे सचिन पायलट और जो अशोक गहलोत का जो मैटर हुआ था उसको लेकर के, शीर्ष नेतृत्व ने दिखाया कि अब कुछ नहीं है हमारे बीच में और सब अच्छा है, तो क्या इस तरह के भी ये जो समीकरण है ये प्रभावित कर रहे हैं चुनाव को? देखिए खान साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी बड़ा परिवार है और बड़े परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, छोटी मोटी बातें होती रहती है। कांग्रेस पार्टी के हमारे जो खड़गे साहब अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा भूलो और आगे बढ़ो, और सचिन पायलट जी ने खुद ने कहा है कि अशोक गहलोत जी मेरे पिता तुल्य हैं, पिता समान हैं, और गहलोत साहब ने भी कहा है कि कोई खास बात नहीं, छोटी मोटी बातें परिवार में हो जाती है। पायलट साहब, गहलोत साहब, रणदावा साहब, डोटासरा जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़का जी, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सब लोग मिलकर जारी रखेंगे इस पे। और आइए आपको तस्वीरें दिखा देते बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर जश्न का माहौल है, लोगों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है, कार्यकर्ता वहां मौजूद है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं भाजपा मुख्यालय से। और हमारे सहयोगी वहां पर हमारे साथ है विकास, विकास क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी जी शालिनी, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जमीन तेरी तो मेरा आसमान होगा, जमीन तेरी तो मेरा आसमान होगा, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर चुनावों का कुछ तो घमासान होगा। जी हाँ, इसी को देखते हुए आप देख रहे हैं मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर हूँ और यहाँ पर
जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जो कार्यकर्ता है उनका जोश उमंग देख रहे हैं आप चारों तरफ से। भारतीय जनता पार्टी सुबह से ही रुझानों में ऊपर चल आगे बढ़त बनाए हुई थी, जो लगातार बढ़त बनाई हुई है। हमारे साथ नारी शक्ति है जो यहाँ पे कार्यकर्ता है, उनसे बात करते हैं। जी मैम, जी ये बहुत ये दो जब महिलाओं का उत्पीड़न हुआ था, जब ही जनता ने सोच लिया था कि बीजेपी लानी है, क्योंकि महिलाएं बीजेपी में सिक्योर होती हैं और महिला हमारे यहाँ पूछी जाती है, ऐसा नहीं है इनके राज में भट्टी में डाल दी जाती है रैप करने के बाद। और इनका एक मंत्री शांति धारीवाल बोलते हैं ये मर्दों का शहर है। अरे मर्दों का शहर है तो ले जा अपने घर। भारतीय जनता पार्टी आएगी जरूर, हमारी पूरी बहुमत से आएगी, हमें ये यकीन है। राजस्थान में हम कमल खिलाएंगे और महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उनको हम नहीं सहेंगे, उनको हम जरूर है ना न्याय दिलाएंगे। महिलाएं जो आएंगी और महिलाओं को जो आरक्षण मिला है 36% उसको है ना हम बिल्कुल निभाएंगे। अगर महिलाएं उन पर अत्याचार हो रहा है और ऐसा सीएम बनेगा जो यहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री बनेगा। जी विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर हमारे संवाददाता मौजूद थे और वहाँ का माहौल आपको दिखा रहे थे, एक जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और जी आपने देखा तो महिलाएं यहाँ पर बहुत प्रसन्न नजर आ रही थी। तो क्या हम सर आपसे पूछ सकते हैं कि इसी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है हमारे सामने, और आइए सीधे चलते हैं, एक ब्रेकिंग खबर है और वो खबर आ रही है भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें राजस्थान से जीत ली हैं। तो ये जीत के आंकड़े भी अब सामने नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक दूदू की सीट जीती थी और दूसरी सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई हैं। जी 112 सीटों पर फिलहाल लीड किए हुए है। जी हम बात कर रहे थे राजकुमार जी से। राजकुमार जी, नतीजों का भी आने शुरू हो गए हैं, रुझान 112 पे हैं भारतीय जनता पार्टी, 71 पर ही कांग्रेस है, क्या कहेंगे? देखिए नतीजे आ रहे हैं, निश्चित तौर पे 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले निवेदन किया कि परिणाम पूरा आने दीजिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी स्पष्ट मेजोरिटी से सरकार बनाएगी और फिर भी जनता का जो आदेश होगा वो हमारे सिर माथे होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं हम लोग कि सत्ता प्राप्ति के लिए मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री बना दे। सत्ता जनता तो आदेश देती है विपक्ष में बैठने का, और ये जोड़ तोड़ करके हॉर्स ट्रेडिंग करके ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके विधायकों को अपने में मिला के सरकार बना लेते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसा कोई कृत्य नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी जनता का आदेश सर माथे पर रखेगी, जो भी जनता आदेश देगी उसको स्वीकार किया जाएगा। जी रामकुमार जी, भारतीय जनता पार्टी से हम अभी बात कर रहे थे, महिला शक्ति भी साथ थी हमारे संवाददाता के साथ। तो महिला अत्याचार का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जोर शोर से उठाया, क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर के? क्या महिलाओं ने एक तरफा वोटिंग की है? भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा नहीं, मुद्दा की जिस तरह का दुष्कर्म की घटना कहे या महिला प्राधिकरण है उसके लिए वो पूरे कंधे से कंधा मिला करके उनमें साथ रहे। राजस्थान के अंदर हमारी बहन और बेटियों के लिए हमने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, उसी का परिणाम है कि मतदान भी महिलाओं ने अधिक किया और आज जो खुशी का माहौल आपने देखा है कि उसमें महिलाएं किस तरह से प्रसन्नचित है, आज उनके लग रहा है कि हम अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और शासन में सुरक्षित रहेंगे। और महिला आरक्षण की ये भी देखा, अगर बात की जाए तो उसको भी लेकर आए प्रधानमंत्री। लेकिन अगर हम बात करें कितने महिला दावेदारों को मैदान में उतारा, तो उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं बाजी मार गई और आपने कम महिलाओं को जो है प्रतिनिधित्व दिया है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए कोई पीछे नहीं होती है। हम भी अभी जो महिला शक्ति वंदन का जो अधिनियम लाए हैं उसके तहत में जो मिलेगा, लेकिन एक स्ट्रेटेजी के तहत में जो महिलाएं हमारी बहने जो एक मिनट महिलाओं को डाल राजकुमार जी, राजकुमार जी या तो 2023 के अंदर कर रहे हैं, 2029 में उसको लागू करेंगे। देख तेलंगाना को भूल गए ये लोग, ये हिंदुस्तान की महिला रेसलर जो हमारे लिए गोल्ड मेडल जीत के आई, आप राजकुमार जी कैसा अपमानित किया है। आपने बहुत वादा किया था 3 महीने पहले सूची लाएंगे, 50% महिलाओं को टिकट देंगे, 50% युवाओं को देंगे, क्या हुई आपकी वो बात? आपने बहुत वादा किया था राजस्थान में तो आ रहे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, चुनावों की बात की जाए तो कांग्रेस ने ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया है। वहीं पर कांग्रेस के ऊपर आरोप भी लगातार लगे हैं कि अत्याचार भी कांग्रेस के राज्य में बहुत ज्यादा हुआ है। राजकुमार जी क्या कहेंगे?
शालू मैडम, बलात्कार जैसा शब्द बहुत गंदा शब्द है, ऐसी घटनाएं राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में नहीं होनी चाहिए, चाहे सत्ता कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अगर हमारे राज्य में हुई है तो हम इसकी भी घोर निंदा करते हैं। ऐसी घटनाएं कहीं नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी घटनाएं भारत के प्रधानमंत्री जी के नाक के नीचे हो, भारत के प्रधानमंत्री जी के नाक का बाल अगर ऐसी हरकत करता है तो देश शर्मसार होता है। बिल्कुल सर, मणिपुर में क्या कहेंगे अगर आप, अगर राजस्थान की बात हो, मणिपुर में क्या, दो शब्द बोलेंगे मणिपुर के? आप शर्मा जी सुनिए, मणिपुर के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो एक्शन लिया, ईस्ट और मैं कहूंगी नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के अंदर जिस तरह से कांग्रेस के शासन के अंदर वहां पर नक्सलवादी थे, वहां पर एक सामुदायिक झगड़े थे, वो सारी थी, लेकिन मणिपुर के मामले में राजस्थान पर आते हैं, राजस्थान पर आइए और राजस्थान की बात अभी हमारे राजकुमार जी बताए थे कि महिलाओं के लिए मैं कहूंगी दुष्कर्म की बातें नहीं करेंगे तो हमें शर्मसार होना पड़ता है। रामकुमार जी, आपने एक सवाल है मेरा, 30,000 केसेज में क्या किया आपने, कितना लोगों के साथ में न्याय नहीं किया तो नहीं, और न्याय क्या किया? मैं ये पूछना चाहता हूं कि नादोती आपके नेत्री के बारे में जो शीर्ष नेत्री कहती है मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन जब नादोती का केस आता है और रिवाई के अंदर जब वो रणथंबोर की यात्रा में आती हैं, खाजू वाले में होता है, चर्चा जारी रखेंगे सर, आपके बारे में इनकी चर्चा जारी रखेंगे, एक ब्रेकिंग आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें हम सर, आपसे चर्चा जारी रखेंगे। इसी बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं हम दूरदर्शन के माध्यम से, और एक बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता देते हैं, और चुनावों से लगातार जुड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हाँ। और आपको प्रदेश में जो सीपी जोशी हैं वो पीछे चल रहे हैं शालू, अभी जो अभी अपडेट आई हमारे बहरोड से भी, और जो नादारा से 3,923 मतों से पीछे चल रहे हैं डॉक्टर सीपी जोशी जी, और कोटा दक्षिण में 13 राउंड की गिनती करीब करीब पूरी हो चुकी है। रामकुमार जी, आपसे चर्चा कर रहे थे तो मेरा एक सवाल है आपसे, और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 200 सीटों पर ही चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी घोषित किए, लेकिन मुस्लिम एक प्रत्याशी को उन्होंने टिकट नहीं दिया। यूनुस खान जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, डीडवाना से चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दलीय के रूप में लड़ रहे हैं और वो लीड कर रहे हैं, सर क्या कहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी कई भेदभाव के कारण से या किसी सीट क्यों नहीं दी सर, एक भी एक भी एक कैंडिडेट आपको नहीं मिला 200 में से? मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की स्ट्रेटेजी के तहत आती है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरह का देश के अंदर माहौल पैदा कर दिया, सांप्रदायिकता का माहौल पैदा कर दिया, हो सकता उसके कारण से हमें मालूम है कि हम किसी की कैंडिडेट को देते हैं उसको अगर हार खानी पड़ती है, उसका सम्मान को ठेस लगता है, इसके कारण से ये स्ट्रेटेजी का पार्ट था। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि करीब 50 करोड़ जो खाते खोले गए, 300 से करीब स्कीमों का फायदा मिला बिना भेदभाव के हुआ। आपने देखा 4 करोड़ हमने प्रधानमंत्री आवास है उसमें मैक्सिमम लाभ गरीबों को मिला, उसमें माइनॉरिटीज के लोग हैं। आपने देखा कि जिस तरह से हमने 12 करोड़ 11 करोड़ के शौचालय और गैस कनेक्शन के जो दिए उसके अंदर सबसे ज़्यादा लाभ मिला, तो हमारे विकास में कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं है और न किसी तरह का ये। लेकिन ये कांग्रेस के लोग ये सोचते हैं कि शायद हम धर्म की राजनीति में आपस में भाईचारे को खत्म करके और शायद हमें वोटों की राजनीति करके तुष्टिकरण की राजनीति करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मुकाबले जहां हिंदू मुसलमान साफ देखा गया, क्योंकि सर ऐसा कह रहे हैं तो उस पर सवाल पूछना चाह रही हूँ मैं। हालांकि लोकतंत्र है, सभी बराबर है यहाँ पर, तिजारा की बात कर ले तो इमरान खान के सामने बाबा बालकनाथ है, हम यहाँ पर यहीं की अगर जयपुर विधानसभा सीटों की बात कर ले तो बाल मुकुंदाचार्य को यहाँ पर मौका दिया गया है, तो आप किस तरह से देखते हैं समीकरण को राजकुमार जी? नहीं, इसमें कोई मैडम, भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं बचे चुनाव लड़ने लायक, पहले तो ये सांसदों को लेकर आए, फिर साधु संतों को लेकर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है, बार बार राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कह चुके हैं, उनको बार बार चिंता होती है, भले सत्ता प्राप्ति कर ले भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? ये विशेष मित्रों के साथ विशेष मित्रता का व्यवहार निभाते, राज्यों के साथ विशेष मित्रता का व्यवहार निभाते, भाषाओं में राज्यों को कैसे बांट दिया है, धर्म के नाम पे कैसे बांट दिया है, के आधार पर हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जनता ने सबक सिखा दिया है और सिखा देगी, देश बना हुआ है देख रहे हो, भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्राप्ति के लिए देश के टुकड़े करना चाहती है और राजस्थान में परंपरा चल पड़ी है। मैं राजस्थान वासियों से अपील करूंगा कि मेहरबानी करके इनके इन झांसों में आने की आवश्यकता नहीं है। ये मुद्दे तो चुनाव में उठाए गए न, लेकिन मैंडेट आप सामने देख रहे हैं जो आ रहा है सामने, तो क्या कांग्रेस की जो बात जनता तक पहुंचानी थी कांग्रेस की नहीं पहुंच पाई क्या? कांग्रेस की राजस्थान की जनता भोली है, अरे सर भोली सब सब पहले भी भोली नहीं रही है, पहले आप समझते थे 25 सांसद 5 साल के लिए दिए थे और इन्होंने एक को तो पहले बीच में उतार दिया और साथ को विधानसभा चुनाव में उतार दिया, अब राजस्थान की भोली जनता करे तो क्या करे?
सर सर युवा 18 प्लस होते हैं, सबके पास अपनी बुद्धि है, अपनी सोच है, तो सब अपने विवेक का इस्तेमाल करके ही वोट देते हैं। तो ईडी खड़ी है, ज्यादा बोलो तो सीबीआई सर, वो तो आप राजनीतिक पार्टियों पे है ना सर, तो ईडी खड़ी है। अब तो वास्तविक पार्टी का नेता बोले तो ईडी खड़ी है, अधिकारी कोई बोले तो ईडी खड़ी है। नहीं, वो जनता का सरोकार थोड़ी उससे सर, वो तो राजनीतिक पार्टियों पे है। अब राहुल गांधी देश जोड़ते जोड़ते रह गए, थक गए राहुल गांधी कहते कहते। राहुल गांधी बार बार जी आपसे एक बार बात करेंगे, राजकुमार जी एक बार बात करेंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज है हम लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो दो सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, और एक और खबर है पिंडवाड़ा आबू से भाजपा प्रत्याशी समाराम गरसिया 13,000 से ज्यादा वोटों से जीत चुके हैं, 13,166 मतों से, यानी ये तीसरी सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। आबू से पिंडवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी समाराम गरसिया 13,166 वोटों से जीत चुके हैं, और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी नाथद्वारा में 3,923 मतों से पीछे चल रहे हैं। खाजूवाला में कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान मंत्री गोविंद राम मेघवाल 12,000 से वोटों से पीछे चल रहे हैं, और चित्तौड़ में भाजपा के नरपत सिंह राजवी 12,800 मतों से पीछे हैं। झोटवाड़ा सीट से ये लड़ते थे चुनाव, लेकिन इनकी सीट बदली गई। निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभान सिंह आकिया बनाए हुए हैं बढ़त, और बीकानेर पश्चिम से कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान मंत्री बीडी कल्ला 4,730 मतों से पीछे हैं। कोटपुतली से कांग्रेस प्रत्याशी वर्तमान मंत्री राजेंद्र सिंह यादव 1,030 मतों से पीछे चल रहे हैं। टोंक से कांग्रेस नेता सचिन पायलट 14,635 वोटों से आगे, कांग्रेस के लिए राहत की खबर है ये। और लालसोट से कांग्रेस प्रत्याशी और वर्तमान मंत्री परसादी लाल मीणा भी पीछे चल रहे हैं। तारागढ़ से भाजपा के राजेंद्र राठौड़ 7,124 मतों से पीछे, भारतीय जनता पार्टी ने इनकी भी सीट बदली थी। तो राजेंद्र राठौड़ जी जो लड़ते थे चुनाव चुरू से, उनकी सीट बदली गई, तारानगर से उनको लड़ाया गया। तो और चित्तौड़ से जो नरपत सिंह राजवी हैं, या झोटवाड़ा से उनकी सीट थी परंपरागत। सर सीट बदलने के पीछे के क्या समीकरण है सर? रामलाल जी, राम कुमार जी, देखिए सीट बदलने के पीछे एक पार्टी का निर्णय था जी, और निर्णय है, और मुझे लगता है कि आने जब हम रिजल्ट देखेंगे लास्ट के राउंड में, देखते देखते हमारे दोनों प्रत्याशी इसमें जीतेंगे, ये पूर्ण विश्वास हमें है, जिस तरह का मैंडेट है जनता ने दिया है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप चर्चा करते थे आदरणीय सीपी जोशी जी की और राजेंद्र गुड्डा जी की भी जी। मैं उन संबंध में राम कुमार जी आपसे बात करेंगे, चर्चा को जारी रखेंगे, और अभी बात करें जो भारतीय जनता पार्टी से दूदू के विधायक जो जीते हैं, अब विधायक ही हो गए, आइए उनकी बाइट सुनते हैं, क्या कुछ कहना उनका। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी, और जिस तरह से कुशासन रहा जो कांग्रेस का, उसके खिलाफ जनता ने मैंडेट बनाया है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी अच्छे बहुमत से। मुद्दे हमारे विकास कार्यों को लेकर रहे, धरातल पे एक काम नहीं हुआ, चौथी घोषणा इन 5 साल में, और भ्रष्टाचार इस विधानसभा में बहुत ज्यादा हुआ जी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी जीत है ये भी, बाबूलाल नागर कांग्रेस से आते थे, उनको हराया है और जीते हैं ये, भारतीय जनता पार्टी ने सीट अपने कब्जे में लिए जी। राम कुमार जी अपनी चर्चा जारी रखिए, क्या कहेंगे? मैं बता रहा था कि आदरणीय सीपी जोशी जी जो स्पीकर कांग्रेस के पार्टी से आते हैं और वो पीछे चल रहे हैं जी। मैं समझता हूँ कि आदरणीय सीपी जोशी जी विद्वान है, बहुत ज्ञानी है और अच्छे पुरुष है, लेकिन जिस तरह का कांग्रेस से पार्टी के और कुर्सी के बचाव में निभे, अगर विधायक उनको इस्तीफा देते हैं उसमें कहीं निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो राम कुमार जी समाराम गरसिया आबू से जीत गए हैं, आबू जो पिंडवाड़ा सीट है आबू की भारतीय जनता पार्टी से, वो जीत गए जी। अपनी बात जारी रखिए। तो मैं सोचता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को भी कई बार कुशासन जब होता है और शासक वर्ग और मुख्यमंत्री महोदय जब गृह मंत्री होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं रहती है, और अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरी संवैधानिक प्रक्रिया को तोड़ करके उनके हाईकमान के भी अनुशासन और उनका भी उल्लंघन करते हुए करते हैं, तो मैं समझता हूं कि उसी का वो है कि आज आदरणीय सीपी जोशी जी जो स्पीकर रहे उनको कहीं ना कहीं ये नुकसान हो रहा है। राजेंद्र गुड्डा ने देखा कि जब गलत आदमियों के साथ में रहेंगे और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उन्होंने लॉयल डायरी का वो किया, उजागर भी किया, और उनके काले कारनामे कांग्रेस के थे उनको उजागर भी उन्होंने करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को ये लगा होगा कि ऐसे व्यक्ति जो कुछ लोगों के लिए सहायक बन जाते हैं बिना सोचे समझे और उसके बाद में करते, तो हो सकता है कि जनता का आक्रोश हो जी। बिल्कुल, लाल डायरी की आपने बात की, तो लाल डायरी जो उजागर जिन्होंने की थी वो खुद पीछे चल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, आपको हो सकता है लाल डायरी से भारतीय जनता पार्टी को इसमें फायदा हो रहा हो। और अब दर्शकों को हम हमारे जो सहयोगी है अर्पिता माथुर हमारे साथ जुड़ गई है, आइए उनसे परिचय करा दें। अर्पिता हमारी सहयोगी जी। जी अलीमुद्दीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जनादेश 2023 में।
राजस्थान की राजनीति में हाल ही में सुबह से राजनीतिक गरमाई हुई है। जी हाँ, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि जिस तरीके से एक क्रिकेट का मैच बहुत ही दिलचस्प होता है और आखिरी ओवर में क्या कुछ हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी गलत होगा। और इसी तरह चुनावी माहौल में भी यही कुछ देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग टीवी स्क्रीन पर लगे हुए हैं, नजरें टिकाए हुए बैठे हैं, क्या कुछ आखिरी ओवर में क्या कुछ हो सकता है वो अंदाज़ा लगाना पता नहीं है अभी फिलहाल। चलिए आपको बता दें, इस वक्त राजस्थान के नतीजे 113 सीट है बीजेपी की, ये रुझान बताए जा रहे हैं, 70 कांग्रेस के। वहीं अदर की अगर देखिए निर्दलियों की, वहां 16 है। मेरा सवाल कांग्रेस के जी, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, विद्याधर नगर सीट से दिया कुमारी जी विजयी हुई हैं, उनको सीट मिल गई है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर जल्द ही नजर आने वाली है। आपको बता दें, दूरदर्शन राजस्थान की तरफ से इस वक्त की बड़ी खबर, विद्याधर नगर से भाजपा की दिया कुमारी ने अपनी जीत तय कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर जी, बहुत बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी की विद्याधर नगर से प्रत्याशी दिया कुमारी विधायक बन गई हैं और जीत गई हैं। और सीताराम अग्रवाल इस सीट पर कांग्रेस से थे, कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल को उन्होंने हराया है, दिया कुमारी की ये विजय हुई है। तो 3 या 4 सीटें भाजपा का जीत का सिलसिला एक तरह से चालू हो गया है। जी बिल्कुल, मेरा सवाल राजकुमार जी से है। राजकुमार जी, जिस तरीके से हाल ही में अशोक गहलोत जो हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो धर्म कार्ड ही चलेगा, अगर बीजेपी जीतती नजर आती है तो वो धर्म कार्ड कहलाएगा, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि कहीं जगह तो ऐसा हो रहा है कि संत जो है सीट जीत रहे हैं, जैसे कि बाबा बालकनाथ को ही देख लीजिए, क्या कुछ कहेंगे? अर्पिता जी, कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि हिंदुस्तान में चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, मुद्दों पे होने चाहिए, विकास पे होने चाहिए, हमारा हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे में अग्रणी होना चाहिए। और अशोक गहलोत जी का भी 2023 के अंदर ये सपना था, सपना है, कल भी रहेगा कि हम 2023 में 2030 का सपना लेके चल रहे हैं, विजन लेके चल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी आपने कहा संतों को, तो संतों का स्थान तो आश्रमों में होता है, मंदिरों में होता है। अब वहां वो मंदिरों में बैठ करके, आश्रमों में बैठ करके मोदी जी या आरएसएस से साठगांठ करके और इस तरह की बातें करते हैं, तो ये राजस्थान के लिए, हिंदुस्तान के लिए शोभनीय कृत्य नहीं है, ये चिंता का विषय है। मैं कहता हूं हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ना चाहिए, हमारा राजस्थान आगे बढ़ना चाहिए। गहलोत साहब ने कहा हम सत्ता में रहें या न रहें, हमारा राजस्थान हिंदुस्तान के टॉप राज्यों में आना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हथकंडे अपना करके चुनाव जीतती है, वो राजकुमार जी एक जी राजकुमार जी जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, तो आप बीजेपी पर आप सीधा सीधा वो अटैक कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी ने धर्म कार्ड खेल लिया है। बीजेपी हमेशा करती क्या है, बीजेपी हमेशा विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़के और इस तरह की बातें करती है। और अगर कहीं चुनाव अटक भी जाता है तो विधायकों को तोड़फोड़ करके करते हैं। आप ये देखो कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को उपमुख्यमंत्री बना दिया। अब बताइए, कोई आदमी मुख्यमंत्री रहता हो और सत्ता प्राप्ति के लिए उपमुख्यमंत्री बन जाए, ये तो दुनिया का पहला उदाहरण है। राजकुमार जी, आप बात कर रहे हैं कि भाई संतों का जगह आश्रम में है, लेकिन यूपी में तो आप देखिए ना, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी चला रहे हैं पूरा सूबा ही, क्या कहेंगे इस बारे में? तो वहां का पॉलिटिकल कार्यकर्ता कहां जाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, जो कांग्रेस पार्टी का हो। मैं तमाम कार्यकर्ताओं के लिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, पहले हमारे कांग्रेस पार्टी फिल्मी अभिनेताओं को लेकर आई थी एक दो बार, तो चाहे फिल्म अभिनेता हो चाहे वो साधु संत हो, जिसका जहां स्थान तय किया है वहां पर ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी तो सर अजमेर में साध्वी को लेकर आई है, उस पर क्या कहेंगे आप? अमीनुद्दीन जी, ये पॉलिटिक्स है, जैसे आप चाल चलेंगे वैसे ही चाल, अगर हमको जीतनी है तो फिर हमको चलनी पड़ेगी। यानी भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो वो धर्म का है और आप कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स है, ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप तो बार बार पत्थर मारे जाए और हम आपको कुछ भी नहीं कहे जी। हम कहते हैं राजस्थान को, राजस्थान अमन चैन का प्रदेश है, हिंदुस्तान अमन चैन का प्रदेश है, सभी जाति सभी धर्म प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे हैं और आप मोहब्बत को उजाड़ रहे हैं। लेकिन सर, वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान राजस्थान में नहीं चल रही, वो मध्य प्रदेश में नहीं चल रही, और अगर बस एक तेलंगाना जो बचा हुआ है वहीं पर एक आप कहें कि कांग्रेस की एक थोड़ी सी इज्जत बची हुई है, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी यही तो कहते हैं, ये चिंता का विषय है। देशवासियों को जब पता चलेगा कि हमारे देश में क्या हो गया, जब हमको बहुत देर हो चुकी होगी। मैं कह रहा हूं, पहले आपको ध्यान होगा, अर्पिता मैडम भी जानती हैं, पहले पड़ोस में कोई घर रहता था, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अगर अच्छी सब्जी बनती थी तो हमारे घर आती थी, अगर हमारे कोई मेहमान आता था तो रजाई करते और बर्तन उनके यहां से आया करते थे, अगर हमारे ज्यादा कोई मेहमान आ जाता था तो उनके यहां सोते थे, हमारी बहन बेटी उनके यहां सोती थी, उनकी बेटी हमारे यहां सो जाया करती थी। वो प्रेम भाव हिंदुस्तान से गायब हो गया है। कांग्रेस पार्टी इस बात की चिंता करती है।
नहीं, कांग्रेस पार्टी चिंता तो कर रही है सर। अब आप देखें कि इसको जो विधानसभा चुनाव थे ये चार राज्यों में और मिजोरम का भी बाकी है, तो इसको एक तरह से लोकसभा का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, तो क्या ये वाकई सेमीफाइनल है? फाइनल में वापस भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो। कांग्रेस पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है। अभी 2023 का चुनाव चल रहा है पांचों राज्यों में, हमने बहुत बेहतर सेवा की है पांचों राज्यों के अंदर। राजस्थान में हमने राजस्थान की गरीब जनता को हमने गणेश माना है, हमने राजस्थान की जनता को माई बाप मान के सेवा की है। जनता का आदेश है, जो आगे उसको सिरमाते हम स्वीकार करेंगे। सर, ये तो विभिन्न जो पार्टी हारती है वो यही कहती है कि हाँ जनता का मैंडेट सिर माते हैं, लेकिन सर आप अपना मूल्यांकन भी तो करेंगे ना कि क्या वजह रही जो आपको नहीं मिला, क्योंकि एक तरह से राहुल गांधी भी आए थे, कह रहे थे कांटे की टक्कर है, अशोक गहलोत आश्वस्त है कि हम ही वापस से रिपीट करेंगे सरकार, लेकिन अभी तो सर नहीं दिख रहा वो। देखिए, आकलन करने का काम आलाकमान का होता है, जब चुनाव के पूरे परिणाम आ जाएंगे। फिलहाल तो मैं आपको चैनल पे कहना चाहता हूँ, हम सत्ता में आएंगे, अभी 2-3 घंटे का और समय है, हम स्पष्ट मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। फिर भी अगर कोई कमी बेसी रह जाती है तो हमारा राजस्थान का आलाकमान और दिल्ली का आलाकमान बैठ के तय करेगा क्या कहां कमी बेसी होगी, उसको आगे दुरुस्त करेंगे। जी बिल्कुल, ये आने वाला समय ही बताएगा, और अभी परिणाम कुछ कुछ आना शुरू हो गए हैं। जी अभी सीधे चलते हैं, दिया कुमारी जो विद्याधर नगर से जीत चुकी हैं और भाजपा की नेता हैं, सांसद रही हैं राजसमंद से, और जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने इस बार विधायक का चुनाव लड़ाया जयपुर की जो विद्यानगर सीट से, और वो विद्याधर नगर सीट पे एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के रूप में प्रत्याशी के रूप में खरी उतरी हैं और जीत उन्होंने कर ली है हासिल। तो राजकुमार जी, अगर हम दिया कुमारी की जीत की बात करें तो प्रताप सिंह खाचरियावास सिविल लाइन से आते हैं जी, और प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, और जो जयपुर की जो सीट हैं आसपास की जो परकोटे के इलाके की है, उनके लिए क्या कहेंगे? किस तरह के आपको समीकरण थे, क्या आपको ये दिया कुमारी का लग रहा था ही तो जीतेंगी? देखिए, चुनाव है, इसमें पहले कोई घोषणा नहीं कर सकते कि वो हारेगा या वो जीतेगा। हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम 200 के 200 उम्मीदवार अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान की जो जल कल्याणकारी योजनाएं थी उनको राजस्थान की जनता तक लेकर गए हैं। पूरे 5 साल हमने बेहतर सेवा की है, परिणाम जो आएगा उसको हम स्वीकार करेंगे। दिया कुमारी जी अच्छी नेता है और हमारे सीताराम अग्रवाल जी भी अच्छे नेता है, परिणाम जो जनता ने दिया है उसको हम स्वीकार करेंगे। आदरणीय प्रताप सिंह जी बड़े नेता हैं, ऊर्जावान नेता हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो वो भी अभी लीड कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे चुनाव जो आएगा उसको हम स्वीकार करेंगे। जी बिल्कुल, चर्चा को हम इसी तरह जारी रखेंगे राजकुमार जी, और अभी समय है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जनादेश 2023 डीडी राजस्थान पे जारी रहेगा।